नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की खास खबरों के साथ। जो है तहसील परिसर में बहू ने पति और ससुर को पीट डाला। जी हां, फिर हुई दोनों तरफ से मारपीट और तहसील परिसर में ही मारपीट की पिटाई का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला के मायके और ससुराल पक्ष में ये विवाद चल रहा है। पारिवारिक विवाद के चलते एक परिवार के लोग तहसील पहुंचे थे। वहीं बातचीत होने के समय बहू ने पति और ससुर को पीट दिया। चप्पल चलने पर आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया। तहसील एतमादपुर का ये पूरा मामला इस वक्त का बताया जा रहा है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने सहारनपुर की कुलदेवी मां शंखमभरी देवी के दर्शन किए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्र ने किए सहारनपुर के मां देवी के दर्शन। साथ ही जनपद सहारनपुर के भ्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहारन के बेहट स्थित मां शंखमभरी देवी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा भूरादेव के दर्शन किए, जिसके उपरांत मां शंखमभरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। देवरिया जिले के जंगल ठकुरही गांव के रहने वाले सेवानिवृत्ति सेना के जवान गंगाधर मिश्रा के दूसरे बेटे संदीप मिश्रा 2009 में सेना के मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के बिना गोड़ी में है और कुछ दिन पहले वो सैन्य अभ्यास्य के सिक्किम कई जवानों के साथ गए हुए थे और बीते 4 अक्टूबर की देर रात कहीं रुके हुए थे। अचानक बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसमें सेनानायक संदीप मिश्रा समेत कई सेना के जवान वो गए और वहां पर लापता हो गए। हालांकि अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है और सेनानायक संदीप मिश्रा के गाँव में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल हमारे बड़े भैया थे संदीप मिश्रा, वो 2009 से आर्मी में पोस्टेड थे मेडिकल कोर में। अभी 2 महीने पहले वो वापस छुट्टी आए हुए थे और वापस अपने यूनिट में गए थे ज्वाइन करने के लिए वेस्ट बंगाल में। पिछले 1 हफ्ते से वो एक एक्सरसाइज में सिक्किम गए हुए थे और वहाँ से वो वापस लौट रहे थे लोग, तो नाइट स्टे के लिए वो लोग नॉर्थ सिक्किम के बरदांग लोकेशन पे वो लोग एक इन्फेंट्री थी वहाँ पे स्टे करने के लिए रुक गए लोग। फिर वहाँ पे रात में ये लोग खाना वाना खा के सोए लोग और अचानक रात में 1-1.5 बजे के आसपास क्लाउड बर्स्ट हो गया। यूपी के फतेहपुर जिले में स्कूल प्रबंधन तंत्र की लापरवाही से 5 वर्षीय LKG के छात्र की स्कूली बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चे की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। वहीं स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे घर के लिए अपने निकल रहे थे, तभी स्कूल बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक बस को निकाला, जिससे 5 वर्षीय छात्र बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वही बस चालक बस छोड़कर घटना स्थल से भाग निकला, जहां मौके पर पहुंची फोर्स बस को कब्जे में लेकर फरार बस चालक की तलाश में जुटी हुई है। जा रहा था तभी उस वक्त बस वाला ने निकाला और ठोकर मारा और चल के चला गया। सर एक तरफ पर कहां की बस थी? बस कहां की थी? बस स्कूल की थी। कौन से स्कूल की? सरस्वती बाल मंदिर की। इसी स्कूल का बच्चा, स्कूल का बच्चा भी था, LKG में पढ़ता था, सार्थक गुप्ता नाम है और जूली दक्षिणी गौतम नगर रहने वाला है, जूली सिंह गली का। सर बच्चे बस बच्चे को रौंदती हुई चली गई और बच्चा काफी आगे तक उसमें लपट गया और वो काफी देर फड़फड़ाता रहा, उसे किसी ने उठाया नहीं। बोले क्या होगा क्या होगा, फिर जानकारी दी सब। और यहाँ बसें काफी दौड़ती हैं, छोटी बड़ी बसें सारी। बच्चा तो गया है ना माँ का, बच्चा को नहीं वापस। कौन सी स्कूल की बसें बहुत तेज चलती हैं? क्या बसें चलती हैं? हमारे दरवाजे से ही निकलती हैं। कराटे कई बार हमने ड्राइवर को कहा धीरे, तो फिर मतलब धीरे किया, कभी नहीं करते हैं। जनपद फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के उमरौड़ी गांव की रहने वाली रामश्री ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन के ऊपर जबरन घर गिराए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया। वहीं पीड़ित रामश्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांव के ग्राम प्रधान और लेखपाल ने बिना नोटिस दिए पुलिस प्रशासन की मदद से उनके घर को गिरा दिया है, जबकि ये घर 50 साल पुराना है और उनके घर के पास में ही एक और घर है, लेकिन उनको नहीं गिराया गया। ग्राम प्रधान देवेश भावना से मेरे मकान को गिराया गया है, ऐसा उनका कहना है। वहीं छोटे छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं। हमारा हमारा घर गिर गया, हम कहाँ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा बहुत परेशानी है। और बताओ काली पुलिस वाले का सोचना, कल्याणपुर थाने की पुलिस पूरी फोर्स आई है, सब गिरवा दिया, बताओ कहाँ रही जाए।
और ये प्रधान लेखपाल मिल के सब गिरवा देने, हमारे घर के कोई सूचना नहीं है। क्या पहले नोटिस दी गई थी आप? नोटिस और कुछ बात नहीं है। जिस जमीन पे आपका घर बना हुआ है? पट्टक जमीन है, 50 साल का कब्जा। अच्छा, तो उस जमीन पर और कितने घर बने हुए हैं? 5 हमारा घर छोड़े के 5 और बने। अगली खबर आगरा से है, जहां नकली चांदी सप्लायर का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। असली चांदी के बदले भेजी गई थी नकली चांदी। वही 3 अभियुक्त को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद के ही रहने वाले पकड़े गए हैं 3 अभियुक्त। बताया जा रहा है कि मेहुल उर्फ केतन एक का नाम है और गैंग का मास्टरमाइंड है वो। पुलिस सिद्धिदात्री ज्वेलर से 12 किलो अहमदाबाद भेजी गई थी रॉ मटेरियल की चांदी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं। वहीं सुबह 4:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ट्रेन द्वारा अलीगढ़ पहुंचे और फिर सर्किट हाउस में आराम करने के लिए 1:00 बजे जीजी रोड के एक निजी होटल में पहुंचे। बताया जा रहा है कि वही बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का जनादेश प्राप्त है और वो प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सरकार में गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पार्टी हमेशा हमारी सरकार की या हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारी सरकार की नीति है, हमारा काम गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। हमारी सरकार हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, जिस पिछड़े वर्ग की बात करते हैं लोग, उस पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक भी काम इन्होंने किया? इन्होंने केवल अपने घर के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया और अपने बिरादरी के लिए। आप लालू यादव जी की बात कर रहे हो, लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव तक पहुंची है। आगरा में मंटोला के सदर भट्टी में हुए अग्निकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। सदर भट्टी केमिकल गोदाम में आग लग गई थी। वहीं उसके आसपास की दुकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। हजारों लीटर थीनर और ज्वलनशील पदार्थ वहां से बरामद किए गए हैं। सभी दुकानदारों को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। आज नाइकी मंडी और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें जितने भी जहां आग लगी थी उस परिसर के आसपास जितनी भी दुकानें थी उन सब में हमने औचक निरीक्षण किया और वहां से हमें थिनर और जो भी ज्वलनशील पदार्थ बरामद किए हैं वो सब हमने थाने में दाखिल कर लिए हैं और सभी दुकान मालिकों को नोटिस दिए गए हैं धारा 149 CRPC के अंतर्गत और उन पे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। दामाद ने भाइयों संग मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। साली और पत्नी घायल बताई जा रही हैं। वहीं बेटी की सास की मृत्यु के बाद तहरीर संस्कार भी ससुर परिवार के साथ आया था। देर रात दामाद उदयराज भाई सतीश और दिनेश ने मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। गाली गलौज का विरोध कर रहे ससुर बच्चू लाल की गर्दन पर गड़ासा से मारा और हमला किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बीच बचाव कर रही साली कोवल और पत्नी सविता को भी चोटें आई हैं। वही सूचना पर एडिशनल SP ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। वहां लोहानीपुर जो मोरामा थाना में है, वो अपने समधि दामाद के यहाँ गए थे, बेटी के यहाँ, और वहां 13वीं थी और उस दामाद ने उसकी बेटी मृतका के बेटी को मार रहे थे और बाप ने थोड़ा सा छुड़ाने की कोशिश की, उसी में चारों भाइयों ने मिलकर के गणासे से हत्या कर दी। अगली खबर अमेठी से है, जहां कब्रिस्तान सहित कई लोगों के घर का रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी ज्यादा समस्या हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि एकमात्र रास्ता कब्रिस्तान और कई घर खेतों के बीच से होकर जाता है, जिसके बाद ग्रामीण परेशान हो गए हैं। रास्ता बंद होने पर ग्रामीणों ने जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के ही 2 दबंगों ने वहां पर जमीन पर कब्जा कर लिया है और रास्ता नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। ये हम हमेशा गरीबों के साथ रहे, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये ग्राम पूरे शमसी पोस्ट बरसंडा कि ये मतलब जितनी भी जमीन है, जैसे कुछ विश्वा प्रधान पट्टा दिए हैं तो उससे भी ज़्यादा कहीं बढ़ चढ़ के हर लोग बना रखे हैं यहाँ पे,
इसकी जांच होना चाहिए और ये गरीब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इनको न्याय मिलना चाहिए। और राजस्व विभाग से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि इन लोगों को समस्या का मतलब समाधान किया जाए। बिजनौर के तेज तरार एसपी नीरज कुमार जादौन लगातार अपराध और अपराधियों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन विभागीय भ्रष्टाचार अधिकारियों पर भी लगातार उनके द्वारा लगाम कसी जा रही है। एसपी द्वारा किए जा रहे कार्यों से जनता उनकी तारीफें करते नहीं थक रही। थाना शिवाला कला क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की दरोगा राजीव कुमार को पैसे देने का इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका एसपी नीरज कुमार जादौन ने संज्ञान लेते हुए दरोगा राजीव कुमार के खिलाफ थाना शिवाला कला पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। यूपी के पीलीभीत जनपद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां दोपहर 2 बजे के करीब उनका उड़न खटोला मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पर उतरेगा, जहां उन्होंने वन्य जीव सप्ताह का समापन करेंगे। वही बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी अवलोकन भी किया, इसके बाद जनसभा को भी वो संबोधित किए। फतेहपुर सिकरी कस्बा पुलिस चौकी के अंतर्गत मोहल्ला मुड़िया खेड़ा में विगत दिवसीय बुधवार को कमरे में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसे दंपति की आज आगरा में उपचार के दौरान आखिरकार मौत हो गई है। पत्नी के अंतिम संस्कार के दौरान ही पति की मौत की सूचना मिली, जिससे बस्ती में कोहराम मच गया। एक साथ दो मौतों से बस्ती में शोक छाया हुआ है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं विगत दिवसीय संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी मुड़िया खेड़ा निवासी मजदूर टिकम सिंह उर्फ टीटू, जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है, उनकी पत्नी की वर्ष 21 बताई जा रही है, वो कमरे में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आग की लपटें कमरे में दिखाई देने लगी। आग की लपटों में पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। आग की लपटों को देख परिवार में चीख पुकार मची। मौके पर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे पति पत्नी को उपचार के लिए एम्बुलेंस से आगरा भेजा। देखिए, कस्बा फतेहपुर सीकरी में मोहल्ला मुड़िया खेड़ा में दिनांक 4/10 की घटना है कि दिन में करीब 2 बजे मोहल्ले के रहने वाले टीकम सिंह पुत्र चंद्र सिंह अपनी पत्नी श्रीमती मिथिलेश के साथ टीवी देख रहे थे कि अचानक ही टीवी फट गया तथा आसपास के क्षेत्र में आग लग गई। आग की चपेट में उनकी पत्नी श्रीमती मिथिलेश भी आ गई तथा बुरी तरह झुलस गई। श्री टीकम सिंह द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया तो अपनी पत्नी के साथ साथ दो भी आग में झुलस गए। लंबुआ तहसील अंतर्गत पड़ने वाले सखौली गांव के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ था। बीते 23 सितंबर को डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई थी। आज उन्हें परिवारजनों से मिलने डिप्टी सीएम पहुंचे थे। परिवार वालों को संतावना देते हुए उन्होंने हर मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ ही किसी भी कीमत पर हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, इसकी आश्वासन भी जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने दिया। घनश्याम तिवारी जी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है, उनके परिवार के जनों से आज हमने भेंट की है और चूँकि ये चिकित्सक परिवार से है तो हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार की जो दुख था उन्होंने हमसे शेयर किया है और इसमें किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्री केदारनाथ धाम में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन, मंदिर समिति, मुख्यमंत्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मंदिर परिसर, हेलीपैड सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का मुआयना कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक और विशेष आरती में शामिल होकर विश्व की खुशहाली और जन कल्याण की कामना करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।